यहूदी जो मजहब है, नाम जो है आप यहूदी सुनते हैं, ये दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, जिनका नाम इब्रानी जुबान में इज़राइल है, इसराइल। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। वो 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, उन्हीं में से एक बड़े बेटे यहूदा थे, या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया, वो अब उसको इंग्लिश में ज्यूज कहते हैं आज। ज्यूज ये दुनिया की शरीर कौम है, बड़ी शरीर कौम है। पहले ये लोगों ने नबियों का कत्ल किया है, इनके बारे में, क्योंकि मैं वही बातें कर रहा हूं जो कुरान कह रहा है। अगर आप कहेंगे बहुत कट्टरपंथी हो जाएगी तो फिर कुरान को भी बंद करना पड़ेगा। कुरान कहता है यक्तुलून नबीन बगैर हक, ये ना हक नबियों का कत्ल करते थे। जब कुरान उनकी बातें बयान कर रहा है तो मैं क्यों ना बयान करूं। ये शरीर कौम थे, हक बात को कभी तस्लीम नहीं करते थे। बहरहाल ज़करिया अलैहि सलाम के कातिल ये हैं, यहया अलैहि सलाम के कातिल ये हैं, और ईसा अलैहि सलाम को सूली पर चढ़ाने के सारे बंदोबस्त इन्हीं ने किया। ये बात मुझसे नहीं, ईसाइयों से जाके पूछ लो, उनसे पूछना जीसस को कौन सूली पर चढ़ाया था, जबकि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहि सलाम को सूली नहीं दी गई। हमारा अकीदा कुरान से साबित है, उस पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन ये यहूदी कौम बड़ी पुरानी है, याकूब अलैहिस्सलाम से चल रही है, ठीक है, काफी पुरानी। ये मानते किस किताब को? किसी भी दीन को, किसी भी मजहब से हमको अगर बात करना है तो उसकी जो मुकद्दस किताब है उसी से बात करना। मैं भी उन्हीं से बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं। जो मुकद्दस किताब तुम्हारे नजदीक है उसी की बातें अगर मैं रखता हूं। यहां महफिल में इतना वक्त नहीं होता, थोड़ी थोड़ी झलकियां मैं दे करके जाऊंगा ताकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और फिर अपनी तहकीक से लोगों के सामने ये बातों को लाएं। यहूदी कौम जिस किताब को मुकद्दस मानती है वो तौरात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और जबूर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन किताबों के मजमुए को आज इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ये किताबें मार्केट में दस्तियाब हैं, इनको क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तकरीबन इस किताब में जो अलग अलग छोटी छोटी किताबों को मिलाया गया है, 73 किताबों का मजमुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। जैसे कुरान में 30 पारे हैं ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह से उसमें पारे समझ लें या अलग अलग टॉपिक्स। ये कितने हैं? 73 हैं। उसमें भी उनका बड़ा इख्तिलाफ है, मैं सारे इख्तिलाफात नहीं बता सकता आज, लेकिन कुरान में सबका इत्तेफाक है, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो। जो अकीदा हम रखते हैं अहले सुन्नत व जमात के, कुरान के 30 पारे हैं, सबका इस बात पर इत्तेफाक है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट पर सबका इत्तेफाक नहीं, उनमें से कुछ मजहब 73 मानते हैं, कुछ 66 मानते हैं, 66 मानते हैं, कुछ लोग 27 मानते हैं। बहरहाल ओल्ड टेस्टामेंट में एक बाब है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं, एक पारे का नाम है, एक किताब का, एक जुज का, जिसको ड्यूट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। उसमें एक आयत आई है, आयत जाहिर सी बात है अल्लाह की है, आयत अल्लाह की है और मूसा अली सलाम पर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मूसा मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे भाइयों में, भाइयों से मुराद नबियों में, एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तुम्हारी ही तरह से होगा, तुम्हारी ही तरह से होगा, लेकिन मैं उसके मुंह में अपनी जुबान रख दूंगा। और दूसरी आयत आती है कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। ये फारान क्या है? ये फारान की चोटियां कहते हैं मक्के मुकर्रमा में जो अब पहाड़ है, जबले काबा, जो खाने काबा के करीब, इन्होंने उसको सब खत्म कर दिया, आज वहां पर बादशाहों के महलात बने हुए हैं। वहां फारान की चोटियां कहा जाता था कि वो मक्का का एक पहाड़ है और
मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टमेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहि सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम हैं। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया, ए मूसा मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम के माँ भी थे बाप भी थे। ईसा अलैहि सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं बाप भी हैं। मूसा अलैहि सलाम की तरह ईसा अलैहि सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र आया है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहि सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहि सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहि सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहि सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों इसका मिज़दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, तारीख बताऊं, फारान कहाँ है? मक्का में है। आदम अली सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक को किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहाँ जमा किया? यही फारान की चोटियों में। यह पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा यह ऐलान किया, ए मक्का वालों मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हैं, आखिरी रसूल हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फरमाने आली शान ही जिसको मूसा अलैहि सलाम की तौरात में कहा गया कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल फारान की चोटियों से जो चमका वह आज तक चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर, अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, हमारे तो रोड पर ही हैं। बहरहाल या रसूल अल्लाह हमको अपने साथ ले लें, जा बजा हैं थाने वाले। थाने वाले तो समझते होंगे, आला हजरत ने शेर में जिक्र फरमाया। बहरहाल एक ओल्ड टेस्टमेंट की एक ही बात मैंने कही, ज्यूज से ये पूछें जा करके कि ये जिक्र आया है मूसा के बाद एक नबी आने वाले, वो कौन से नबी हैं? उनकी ये सिफत बयान की गई है ड्यूट्रोनॉमी इस्तिस्ना में, ओल्ड टेस्टमेंट में ये जिक्र आया है, वो कौन है, वो कौन सा रसूल है, आखिर तुम ही बता दो। वो आज तक नहीं बताएंगे, वो कहते हैं कि शायद आने वाला है इस रसूल के बाद, अब कौन और आने वाला है, अब कौन आने वाला है। चलो इसको नहीं मानते, दूसरी बात मैं कहता हूं, सुलेमान अलैहि सलाम को भी ये बहुत मानते हैं। कौन? ज्यूज, यहूदी, जिनको इंग्लिश में सोलोमन कहा जाता है। सोलोमन हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को ये सोलोमन कहते हैं। एक किताब यहूदियों के पास और मुकद्दस है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन का मतलब हजरत सुलेमान अलैहि सलाम जो मुनाजात करते थे अल्लाह की बारगाह में, वो अशार होते थे इब्रानी जुबान के, जैसे हम कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, ये दुआ है ना। सुलेमान अलैहि सलाम इस तरह दुआएं जो करते थे वो सारे, इन्होंने उसको सॉन्ग्स कहा है और उसको जमा किया गया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन नाम से। इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हैरत इस बात की होगी वो इब्रानी जुबान जिसको आज हेब्रू कहते हैं, इज़राइल में आज भी बोली जाती है। ये इज़राइल जो देख रहे हैं ना आप, जो नासूर है, कैंसर का फोड़ा है पूरे दुनिया के बीच में, यही इज़राइल की बात मैं कर रहा हूं। ये
आज भी जो बोली बोलते हैं वो हेब्रू है, हेब्रू उसको इब्रानी कहते हैं। इस जुबान में आज भी सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के मुनाजात में ये लिखा गया है, सबसे प्यारा, सबसे मुबारक, सबसे शान वाला, जिसकी अल्लाह के यहाँ पहुंच है, जिसके अल्लाह के यहाँ मर्तबत है, उसका नाम मोहम्मद है। ये कौन कहता था? सुलेमान अली सलाम। और नाम लफ्ज़ मोहम्मद आज भी मौजूद है इब्रानी जुबान में, आज भी लफ्ज़ मोहम्मद। और उसके साथ लफ्ज़ इम आया, इम कहते हैं बड़ा मोहतरम शख्स जिसकी सारे लोग इज्जत करें। सुलेमान अली सलाम कहते हैं वो इम है, इम इम है, इम का मतलब हेब्रू में है सबसे ज्यादा इज्जत वाला। और सुलेमान अली सलाम ने वो करके भी दिखाया। वो तख्त पर जो बैठते थे सुलेमान अली सलाम, उस तख्त को जब आप हुक्म देते हवाओं में उड़, तो वो उड़ने लग जाता। जहां का आपको सफर करना होता आप सफर करते थे। और वो तख्त ऐसा नहीं कि एक उड़न तश्तरी है छोटी सी, बल्कि इतना बड़ा तख्त था कि आपके दाएं जानी 500 नबी उस जमाने के बैठते थे, बाएं जानी 500 औलियाए उम्मत बैठते थे। और वो तख्त जब उड़ता आसमानों पर हवाओं को अल्लाह ने उनके लिए मुसख्खर कर दिया था, और वो जिस तरफ हुक्म करते उड़ता था। एक मर्तबा, ये भी इजरायली रिवायात में भी मौजूद है, सुलेमान अली सलाम उड़ते हुए जा रहे थे यही तख्त पर बैठे हुए, अचानक आपने तख्त को नीचे उतरने का हुक्म दिया और सारे लोगों से कहा पैदल चलो। तख्त उठाकर ले जाया गया, पैदल चलने लगे। बहुत लंबा अरसे तक, लंबी मसाफत पैदल चलने के बाद फिर आप सवार हुए, फिर सबको सवार कर लिया, फिर हवा को कहा कि इस तख्त को उड़ा ले जाए फलां सिमत में। मुसाहिबीन ने पूछा इतना लंबा, ये इतनी लंबी मसाफत आपने पैदल चलाया सिर्फ वर्जिश कराने के लिए नहीं? सुलेमान अली सलाम ने जवाब दिया मैं इसलिए तख्त को नीचे उतार दिया कि ये वो जमीन है जहां आखिरी नबी आने वाला है। वो मदीना तैयबा थी, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह थी, जहां से ऊपर उड़कर जाने को भी सुलेमान अलैहि सलाम ने बेअदबी तसव्वुर किया। और इसीलिए वो अपने सॉन्ग्स में यानी अपने मुनाजात में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज जिक्र करते हैं वो लफ्ज इम है, यानी दुनिया जिसकी सबसे ज्यादा एहतराम करे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आओ ज्यूज़, आओ यहूदियों, पढ़ो इस चीज को कि मोहम्मद अरबी